अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। जिस तरह आपको पता है शिया में दो तरह के वाइजीन होते हैं, एक उलमा होते हैं और एक जाकिरीन। ये ब्रेलवियों का जाकिर है। या मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला पहुंचे है खड़ी शरीफ में बैठे जो है ना, जहाँ जिक्र इलाही करते थे। असल में ये बड़े पाक लोग हैं, ये कोई बहाना बना लेते हैं। इतने बहाने हैं मैं कहता हूँ शैतान भी हंसता होगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये कर रहे हैं। कम बाबे ने पाया। लेकिन वो नहीं कर रहे होते, वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो मियां साहब का भी जी चाहता था, तो फिर क्या होता है ये बहाना बना लेते हैं। गेट रो ना। तो मियां साहब बैठे थे, तो मियां साहब जिस दरख्त के नीचे बैठे थे ना, उसके साथ एक और दरख्त था, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई सारा, जिसके ऊपर फाख्ता ने कुगी ने अंडे दे रखे थे। तो ये सिर्फ दो ही हैं, एक इंसान और एक जिन, जिनको आजादी दी गई, भावे जिक्र करो भावे ना करो। मियां साहब थले बह के लगे सन, तो कुगी उत्ते अपने अंडिया बह के लगी थी। दो ही हजरत जी चंगे मसाए, दो ही लगे सन। तो दो ही गले लग के रो। हुआ क्या, वो जो है ना एक शिकारी आ गया, और ये जो पाक लोग है ना हजरत जी, अल्लाह के कामों में नहीं दखील होते। आपने शिकारी को मोड़िया छोड़िया? नहीं भाई, रब की मर्जी है, उदा रिजा क्यों रहा अज है, उन्हें आपने नहीं मोड़िया कोई। कुगी भी अखा बंद कीतियां ने, ऊद आलम मियां साहब भी, शिकारी आया कुगी ते ध्यान पिया, तीर पिछू कढ़िया कमान ते चाढ़िया, कुगी का निशाना लिया, खिंचया तीर ऐसे पहले कि छड़दा। अगर अल्लाह पाक किसी ने कुछ नहीं देंदे, फिर अल्लाह पाक उन्हें बड़ा कुछ देंदे नहीं। कुगी की इस बेदार हुई, अंदरू खतरे की टली वजी, कुगी ने अखा खोलियां, वेखिया सामने शिकारी, उन्हें डारी भरी तो दरख्तों बाहर उड़ गए। ये सारे की मियाँ साहब की अशार है, अब अशार सुनाऊं बड़ा वक्त लग जाएगा, मैं सादा सादा उसका तर्जमा कर। ये सारे मियाँ साहब के अशार है। कुगी ने डारी भरी तो दरख्तों बाहर, उड़ के थोड़ा जहा उत्ते गई ना, तो उत्ते की वेख्या, उत्ते एक बाज भी पिया चक्कर कटे, तो नज़र उन्हें भी कुगी तलाई है। केड़े वेले कुगी निकले दरख्तों बाहर, तो मैं फड़ा इन, क्योंकि ये बूता उत्ते नहीं गई, बाज ने भी चुमी मारी, वो कुगी ने भी चुमी मारी, तो दरख्त के आ बैठी। हुण मियाँ साहब बह के सारा कुछ देखते हैं। फ तबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान ने कीड़ी की आवाज सुन के तबस्सम फरमाया, तो फिर इतने मियाँ साहब की कुगी नहीं सुन सकते है, मियाँ साहब सुनते हैं फिर उन्हें सारे अशेर ने, मैं पंजाबी तर्जमा कर रहा दादा। हूँ मियाँ साहब सुनते हैं कुगी की अल्लाह पाक की बारगाह चर्च कर दी, या अल्लाह तेन वेख्या नहीं, तेरे वलिया को सुन के ही मान लिया आई हैं, तो सुने तू जो चाहें कर सकना है। मतलब कुगी की आवाज आँगी, कुगी की चाहनी है साढ़े को, फिर कुगी या अल्लाह दू मौत फसी हाँ, ना उडांगी शिकारी इथों मारी जावगी, उडांगी बाज इथों मारी जावगी, मैं चाहनी हाँ मैं बचा सकना जी। पर अगर घुगी आवाज की आँगी, घुगीए दो की ने सारा जमाना मारन आ जाए, जो बचा हो बचा लाँगे, तड़ी मर्जी होनी चाहिए बचाने की, असं बचा लाँगे। घुगी खलोगी जम के, शिकारी बड़ा रहा हो, पहले उड गई सी तो हूँ आ गई है, तो आ भी सामने बैठी है, इनू की है। उसको तो पता ही नहीं था ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है, उन्होंने तो पता ही नहीं इन्हें पुकारिया किस जात में। हजरत जी कुगी खलोगी जम के, हजरत तीर पहले चढ़िया, उन्हें जनाब खिंचया तीर, निशाना लिया कुगी का, अद्धा क छड़े छुड़ोया, सारा नहीं निकलिया जी, अद्धा क छुड़ो गया था, अद्धा निकल गया, अद्धा कमान दे अंदर ही होया कि हुक्मे इलाही ना ला के सप ने शिकारी के पैर से डंग कड मारिया। हूँ सप ने डंग मारिया, पीड़ हुई, दर्द होने की वजह ना जो हथ इंज सी ना, वो दर्द हुई ना, तो हथ इंज हो गया, तीर उत्ते हो गया, वो घुगी तो छड़ाने बजा उत्ते छड़ोया जात, तो सीधा बाज में बजा, वो तीर वजन मर गया, वो सप लड़न मर गया, दो गड़ब करके कट्ठे डिगे थले। घुगी उत्थे खलोती, मियाँ साहब वेखते ने सारा, तो फिर मियाँ साहब हजरत जी सारा कुछ वेख के लिखते की ने, आ फरमाते ने घुगी रही अथों खलोती। तुम बंदा मिलना आए ना भाई जी, कितने हो जी? मैं बार UBL के बैंक के सामने। तुम कहना जी उत्थे ही रही, मैं आने लगा या मैं बंदा भेजना, उतों की निकलिया अथां। फरमाते जिन्हों दो मारन आए ने, एडी जी घुगी जिन्हों दो मारन आए ने, दो ही मर गए, घुगी उत्थे ही खलोती, मौत नूं मौत आ गई। लिखते कि ने घुगी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी रब दी होई। हाय, यानी इनके नजदीक मसलक यह है कि कोई बुजुर्ग कोई काम कर दे, कोई आलिम काम कर दे, कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं, ना देवबंद का ना बरेलवियों का, होना तो चाहिए था कोई दलील से बात करते।